हेलो दोस्तों, आप सभी को जो है मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी जो एडवर्टाइज हो गई है, जो है ऑलरेडी मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूं, जो आपको बता चुका हूं और आप तैयारी में लग भी गए होंगे। आज मेरे उपस्थित होने का बस जो है विषय ये है कि कैंडिडेट सबसे जो पूछ रहे थे कि सर जो है हिंदी मीडियम में जो कोई किताबें जो है सजेस्ट करिए, जो है क्योंकि जो है यूपी में जो है जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट होता है ना, वो इंटरमीडिएट जो है आपका हिंदी मीडियम में किया होता है, यूपी बोर्ड से किया होता है। तो कैंडिडेट को ये परेशानी थी जो है कि सर कोई हिंदी मीडियम में अगर आपके पास बुक हो जो है तो उसको सजेस्ट करिए। और दूसरी जो है कैंडिडेट्स की जो है ना इंक्वायरी ये होती है जो है कि सर कोई एक ऐसी बुक बताइए जो है ना जिसको टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस मिल जाए। और वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जो है ये सारी चीजें जो सर्च कर चुके होते हैं जो है, लेकिन अल्टीमेटली उनके हाथ कुछ नहीं लगता है, क्योंकि उनको जो है चैनल वाले जो है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, बट ये है कि लोग जो है कोई एक प्रॉपर बुक सजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर लोग जो है वही आरडी शर्मा जो आपको बता देंगे जो है आपको, कि आरडी शर्मा आप ले लीजिए, उससे तैयारी कर लीजिए जो है, या यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर ले लीजिए, आप उससे तैयारी कर लीजिए। किताबें बुरी नहीं है, किताबें बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते ये है ना, देखिए उसका जो लेवल है ना वो आईआईटी जेई के लिए लिखा गया है। वो आईआईटी के लिए जो जो किताबें जो है लिखी गई हैं आरडी शर्मा की जो है, जो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, अगर आप उस पर देखेंगे, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मेरे पास है भी वो, मैं आपको एक मिनट दिखा सकता हूँ, एक मिनट रुकिए आप जो है, मैं अगर आपको जो है दोनों वालों में अगर आपको दिखा दूँ तो, अगर आपको दिख पा रहा हो तो देखिए ये मैथमेटिक्स बाई आर डी शर्मा जो है ये फॉर आई आई टी जी, देखिए अगर आप देख पा रहे हो कैमरे के पास में नजदीक करा, आईआईटी जी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आरडी शर्मा किताब है ना, किताब बुरी नहीं है, किताब बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत यूज है, बहुत सारा मैटर है और क्वेश्चन का लेवल बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा है, वो सारी चीज आपको पढ़नी नहीं है। तो आप खुद जो है ना इधर उधर फालतू भटकेंगे जो है, आपका टाइम वेस्ट होगा जो है, और सही डायरेक्शन में आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ऑलरेडी बेस्ट बुक्स की जो है मैंने बहुत सारी वीडियो जो बना रखी है जो है, आप उसको भी देखिए जो है। आज का जो मुख्य मुद्दा ये है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो है कौन सी अच्छी बुक हो, और दूसरी बात यह कि क्या सारा मैटर किसी यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी और अदर स्टेट का जो है, क्या सारा मैटर जो किसी एक बुक में मिल सकता है? इसका जवाब है कि हाँ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत रिसर्च की जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया का जो है जो भी सारी स्टेट्स के लिए टीजीटी पीजीटी का जो है तैयारी करवाते हैं। जैसे इसमें देखिए उत्तराखंड की भी वैकेंसी निकली हुई है, तो उसका भी जो बैच जो स्टार्ट हो गया है, जो अभी उड़ीसा में वैकेंसी निकली हुई है उसका भी बैच स्टार्ट हो गया। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए तो हमने कमर कसी लिया है, आप लोग भी कमर कस चुके होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट जो है जुड़ चुके हैं हमसे जो हमारे चैनल से जो है। आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं जो है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई इंक्वायरी हो तो आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। और प्रोसेस क्या है इसका, जो www.AYUSHMANCLASSES.com, ठीक है, www.AYUSHMANCLASSES.com, इस पे आपको जाना है जो इस वेबसाइट पे जो है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको करना है, फी का पेमेंट करना है जो है, आप उसके बाद क्लासेस से जुड़ सकते हैं जो है। हम लोग जो अपने क्लासेस में आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत ही डिटेल में होते हैं। कभी कभी कैंडिडेट का ये होता है क्वेरी कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ वीडियो 10-5 वीडियो आप जो है आपके जो है इसमें होंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, मोर देन 200, नियर अबाउट 200, लगभग 200 के आसपास जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और अपलोडिंग का काम अभी भी जारी है। जो कैंडिडेट जो है ज्वाइन कर चुके हैं उनको मालूम होगा कि कंटेंट किस लेवल का हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें जो है क्या उसका जो है डेप्थ होता है, ये सारी चीजें जो लोग ज्वाइन किए हैं जो उनको मालूम है उस चीजों के बारे में। तो रिकॉर्डेड लेक्चर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, चैप्टर वाइज असाइनमेंट है ना। देखिए जब आप लेक्चर्स देखते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की इच्छा होती है, कहां से प्रैक्टिस किया जाए, तो बहुत रिसर्च मटेरियल हम लोग देते हैं आपको, जो असाइनमेंट देते हैं, चैप्टर वाइज असाइनमेंट होता है, लगभग लगभग 100 क्वेश्चन की जो है ये का जो ये असाइनमेंट होता है, और विद सॉल्यूशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां ट्रिक की जरूरत है वहां पर ट्रिक प्रोवाइड कराया गया होता है। इसके बाद हम लोग जो टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाते हैं, जब आप असाइनमेंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लेक्चर्स देख लिया, आप जो है असाइनमेंट आपने सॉल्व कर लिया, तो अब इच्छा ये होती है और नियम भी ये बनता है कि आपको जो है एक टेस्ट लेकर जो है चेक किया जाए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो इसके बाद चैप्टर वाइज भी हम लोग जो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं, और इसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ताकि आपको किसी भी लेवल पे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़े। बात आती है कि कभी कभी कैंडिडेट ये पूछते हैं, हमारे जो प्रॉब्लम जो है, जो हमारी क्वेरीज है वो कैसे सॉल्व होगी, उसका भी उपाय है हम लोगों के पास। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो है, आप अगर जो है इस कोर्स से जुड़ते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जो जब जुड़ जाते हैं तो वहां पे अपने जो भी पर्सनल क्वेरीज हैं, वीडियो से संबंधित, असाइनमेंट से संबंधित, या आपके पर्सनल कोई क्वेश्चन है तो वहां पे आप पोस्ट करते हो, वहां पे आपका सोल्यूशन निश्चित रूप से मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो सारी बातें हो गई जो कोर्स के बारे में। अब हम जो आज का मुद्दा है जो है कि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए कौन सी बुक जो सबसे उपयुक्त तो हो, और दूसरी बात ये है जो क्या टीजीटी पीजीटी का सारा सिलेबस किसी एक किताब से मिल सकता है, जवाब है हाँ
मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा जो है ना, मैं सबसे पहले टीजीटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टीजीटी की बात कर लेते हैं, एक मिनट जरा सा देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये जो है टीजीटी के लिए मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से, एक बार मैं आपको जो कैमरे के पास दिखा दे रहा हूँ जो है, अभी मैं यहाँ पे नाम भी लिख दूंगा। देखिए सृष्टि पब्लिकेशन है, महोरियास एक्चुअली में, देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जो है, मतलब ये जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की किताब है ना, ये आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो है गणित हिंदी में है जो है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट बात मैं इसका पढ़ के बता देता हूँ, कंटेंट इसमें क्या, अच्छी खासी मोटी बुक है आप देख पा रहे हो, मैं इसमें कंटेंट जरा एक बार पढ़ के आपको दिखा भी देता हूँ इसका कंटेंट क्या है जो है। अगर आप देख पा रहे हो इसमें जो पार्ट वन ये है ना, जो आपके यूपी टीजीटी में जो हाई स्कूल स्तर की गणित पूछी जाती है, जिसमें देखिए संख्या पद्धति, बीजगणितीय संक्रियाएं, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, आयतन, कोण एवं उनका मापन, त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी, ज्यामिति, ज्योमेट्री और आंकड़ों का विश्लेषण, मतलब स्टैटिस्टिक, जो 10th लेवल की मैथमेटिक्स है, यहाँ पे भी 10th लेवल की मैथमेटिक्स वही सेम आती है। इसके बाद देखिए पार्ट टू में अगर हम लोग बात करें तो अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब हो गया, फिर कैलकुलस आपका है जो अगर आप देख पा रहे हो, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस है, इसमें जो इंटीग्रल कैलकुलस है, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन सर्कल पहला मतलब बिंदु, बिंदुपथ, सरल रेखा युग्म, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, ये सारी चीजें हैं इसमें जो है। इसके बाद देखिए अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, आपको अगर मालूम हो तो यूपी टीजीटी के सिलेबस में अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, तो देखिए यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दिया गया है, इसका कैलकुलस है, अवकलन, अवकलन में जो स्पर्शियां होगा, एसिम्प्टोट्स वगैरह निकालने के लिए आते हैं, आपके सिलेबस में है, अगर आप देख पा रहे हो मीन वैल्यू थ्योरम इसमें है जो है, ठीक है। उच्चिष्ट निम्न से दो फलन वाले हैं जो है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए रियल एनालिसिस अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे है, देखिए रियल एनालिसिस है ना, रियल एनालिसिस इसमें दिया हुआ है, यूपी टीजीटी के सिलेबस में रियल एनालिसिस है, तो हिंदी मीडियम में आपको जो है कंप्लीट चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद नीचे और देखिए जो आपके काम की चीजें मैं बता देता हूँ, इसका देखिए अवकल समीकरण है, उसका वेक्टर है, मतलब सदिश वेक्टर है जो हो गया, वेक्टर कैलकुलस भी है, वेक्टर कैलकुलस भी है, वेक्टर अलजेब्रा भी है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक और चीज देखिए, गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, जिसकी बहुत हाईली डिमांड होती है कि सर गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान के, हालांकि मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान मतलब स्टैटिक्स और डायनामिक्स के बेस्ट बुक्स कौन सी हो, मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन जो है हम लोग रखे हुए हैं, और सारे पूरे ऑल इंडिया के जो है सारे जो है जो भी पेपर होते हैं उस पर हमारी नजर होती है जो है। और क्वेश्चन में आगे आप जो है आगे आने वाले वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा जो है ना कि क्वेश्चंस लोग कहाँ से फ्रेम करते हैं, जो वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके। आज का फिलहाल मुद्दा यही कि बेस्ट बुक हिंदी मीडियम में कौन हो और सारे सिलेबस क्या एक बुक मिल सकते हैं, तो बिल्कुल इस बुक में आपको जो पूरा टीजीटी का सिलेबस, मैं फिर से जो है किताब का नाम लिख बता देता हूँ, सृष्टि महोरिया इधर लिखा हुआ है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा गणित, ठीक है। तो अशोक शर्मा इसके जो है राइटर हैं और राम निवास मथुरिया, ठीक है। ये अब बात आती है कि मिलेगी कहाँ पे आपको जो है, ये किताब आपको जो अमेजन पे मिल जाएगी जो है, और अगर वहां पे नहीं मिलती तो आप गूगल पे डायरेक्ट इसको सर्च करिए जो है, तो आपको ये चीज वहां पे मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई टीजीटी की, ठीक है। अब देखिए अगर हम यही सेम राइटर की किताब अगर मैं बात करूँ ना, सेम राइटर की किताब देखिए, सेम राइटर की किताब जो पीजीटी के लिखी गई है, ये राजस्थान का जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए है, आरपीएससी देखिए व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड गणित, ठीक है। ये हिंदी में है जो है, पूरा कंप्लीट सिलेबस जो आपका यूपी का है जो कंप्लीट इसमें मिलेगा एकदम जो, और हिंदी मीडियम में अच्छी खासी जो है अच्छा सारा कंटेंट है जो है, बहुत सारे पूरे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी इसमें प्रोवाइड करवाए गए हैं, थ्योरी भी आपको दी गई है जो है, और पूरा सिलेबस आपका इसमें जो कवर हो जाता है। तो हिंदी मीडियम के लिए जो बेस्ट किताब है जो है, बहुत अच्छी किताब है, और सारा सिलेबस सबसे बड़ी बात है आपको एक जगह मिल जाएगा। ये किताब आपको जो अमेजन पर मिल जाएगी, या तो आपको जो गूगल पर आप डायरेक्ट सर्च करके जो इसको खोज सकते हैं। इसका नाम है सृष्टि, ये भी है सृष्टि, इधर लिखा है मथुरिया, मथुरिया MATHURIYA, मथुरिया राजस्थान लोक सेवा आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड गणित है ना, और ये डॉक्टर अशोक शर्मा है ना, डॉक्टर अशोक शर्मा किताब आप देख लीजिए अच्छे से एकदम जो है। तो ये भी किताब जो है आप देख सकते हैं। अच्छा इसके बाद देखिए हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट को क्या जरूरत पड़ेगी, अब बात आती है कि इसके बाद प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए आपको सॉल्व करना चाहिए। एक बार तो पहले आपने सिलेबस जान गए, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है वो जान गए आप जो है, इसका प्रीवियस ईयर का पेपर आपको लगाना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के देखिए तीन पेपर मतलब तीन पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, मैं तीनों आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये शिल्पी की किताब आती है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा गणित है ना, टीजीटी देखिए इधर लिखा हुआ, ऐसे पीजीटी के लिए भी आती है, टीजीटी के लिए भी आती है, ठीक है। तो एक तो शिल्पी पब्लिकेशन की हो गई, तो इसमें भी जो है पूरे जो है आपके पिछले जितने जो है तो 1999
1999 से लेके अभी तक के जितने पेपर हुए हैं, सारे पेपर जो इसमें आपको दिए गए हैं जो है, और इसमें सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, अगर हम बात करें सेकंड नंबर, तो एक ये आती है किताब जो है, ये घटना चक्र की आती है, आप सभी लोगों के पास होगी, जरूरी होगी, घटना चक्र किताब आती है। इसमें भी जो है ये बाइलिंगुअल होता है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में भी पेपर जो है दिए रहते हैं, और इसमें भी जो है प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर जो है सॉल्व किए गए हैं। और जो तीसरी किताब आती है, जो तीसरी किताब है वो यूथ कंपटीशन की है, अगर आप देख पा रहे हो जो है, ये जो गणित की है, जो यूथ कंपटीशन की किताब आती है, यूथ कंपटीशन की, ठीक है। तो अगर आप इसको देख पा रहे हो, यूथ कंपटीशन की किताब है जो है, तो ये तीनों किताबों में, मैं बता रहा हूँ, तीनों किताबों में से कोई भी किताब ले सकते हैं। लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है ना, इसका सोल्यूशन नहीं पड़ेगा आप, इसका सोल्यूशन बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि 30-40% सोल्यूशन इसमें आपको गलत मिलेंगे, रॉन्ग मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग करवाते हैं सोल्यूशन जो है, तो हम लोग जो है कि नजर होती है जो है कि और आथर्स क्या लिख रहे हैं, चीजें क्या लिख रहे हैं जो है, तो मैं किसी को क्लेम नहीं कर रहा हूं कि आपके वो गलत लिखी या कैसे हो गया। बहुत बार मिस प्रिंट भी हो जाती है, बहुत बार कुछ समस्या हो जाती है, टाइपिंग करने वाले लोगों को मैथमेटिक्स नहीं पता होती है, तो हो जाता है। बट यह है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ क्वेश्चन के लिए आप इसको लीजिए, आप बिल्कुल भी इसका सोल्यूशन आप पढ़ने के पीछे मत भागिएगा जो है। सोल्यूशन के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए जो है, वहां पे आप जो डिस्कशन कीजिए, क्वेश्चन आप यहां से लीजिए जो है, और डिस्कशन यहां पे करिए जो है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही जो है, होप सो जो है आपको मजा आया होगा जो है। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जो है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका जो फायदा मिल सके जो। और अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेके जो है, हर टॉपिक वाइज आपको मैं आपको जो बुक सजेस्ट करूंगा, खजाना है मेरे पास जो किताबों का जो है। और दिन रात जो है पिछले जो 15 सालों से जो यही काम मैं कर रहा हूँ जो, लास्ट 10-15 ईयर्स जो है टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ यही काम हम कर रहे हैं। और हमारा चैनल सिर्फ टीजीटी पीजीटी की जो है मैथमेटिक्स के लिए प्रिपरेशन करवाता है, तो सारे जो लेटेस्ट चीजें आती हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, किस स्टेट में कहाँ पे क्या चीजें पूछी जा रही है, उस पर जो है हमारा पूरा ध्यान होता है जो है। तो इसलिए आपको रिफाइंड मटेरियल मिलता है एकदम जो, और अच्छी तैयारी करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं पहले ही प्रयास में। थैंक यू वेरी मच।